नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ी हुई है। दरअसल फार्म हाउस पर सलमान खान को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सलमान खान अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर थे। शनिवार और रविवार की रात के दरमियान लगभग 3 बजे एक सांप ने सलमान खान को काट लिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जिस सांप ने सलमान खान को काटा था वो जहर वाला सांप नहीं था। ऐसे में दबंग खान पर इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ था। सांप के काटने के बाद सलमान खान को नवी मुंबई के कामोठे इलाके में MGM महात्मा गांधी मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका लगातार इलाज चला। उसके बाद वो आज सुबह इलाज कराकर वापस अपने फार्म हाउस पर वापस लौटे। इस वक्त वो अब खतरे से बाहर चल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस सांप ने काटा था वो जहर वाला सांप नहीं था, इसीलिए सलमान खान को ज़्यादा असर नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें 6-7 घंटे का इलाज दिया गया और उसके बाद उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल सलमान खान की हालत बिल्कुल ठीक है और वो अपने फॉर्म हाउस पर हैं। लगातार फैंस दुआ कर रहे हैं कि सलमान खान स्वस्थ हों। आपको बता दें कि सलमान खान 27 दिसंबर यानी कल अपना जन्मदिन भी मनाने वाले हैं। ऐसे में वो पनवेल स्थित अपने फॉर्म हाउस पर गए थे, जहां पर उन्हें देर रात सांप ने काट लिया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और लगातार इलाज के बाद वो खतरे से बाहर हुए तो उन्हें दोबारा वापस भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सांप जहरीला नहीं था, इसीलिए सलमान खान पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा। फिलहाल फैंस अभी भी लगातार दुआएं कर रहे हैं कि सलमान खान पर ऐसी कोई भी आफत ना आए और वो 27 दिसंबर को खुश होकर अपना जन्मदिन मनाएं।